माझी जी क्या थे जिनके सीट पे वो नहीं गए चिराग पासवान जी, तो माझी जी क्या है? माझी जी भी दलित हैं। मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि हम या फिर इस पार हैं या उस पार हैं, इधर जाएंगे और उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे और इधर नहीं जाएंगे, ये गठबंधन धर्म नहीं होता है। माझी जी क्या है, दलित नहीं है, उनके सीट पे काहे नहीं गए थे चिराग पासवान? नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में एक बार फिर से सियासी बवंडर उठ गया है और ये सियासी बवंडर आनंद मोहन के बयान के बाद से उठा है। आनंद मोहन ने जैसे ही बयान दिया वैसे ही एनडीए के भीतर घमासान मच गया और इस पर लोक जनशक्ति पार्टी ने रिएक्ट कर दिया। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार से संबंध सुधारने में लगे हुए थे, वहीं नीतीश कुमार ने भी ये मान लिया था कि अब साथ चलना है तो सारे रिश्तों को ठीक कर लिया जाए, लेकिन अचानक से आनंद मोहन के बयान के बाद बवंडर मचा और बवंडर अभी शांत भी नहीं हुआ था, अभी चल ही रहा था कि उसी बीच में उनके पुत्र चेतन आनंद ने भारी बयान दे दिया है और उनके बयान के बाद से कहा जा रहा है कि और ज़्यादा यह मामला उलझ गया है। सुनिए चेतन आनंद ने हमारे रिपोर्टर से बातचीत के दौरान क्या कहा और किस तरह से उन्होंने चिराग पासवान को लेकर के अपनी बातें रखी हैं। आपके पिता जी ने चिराग पासवान को लेकर के बात कही है, उसको लेकर के बड़ी नाराजगी है, आरजेडी ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। किससे? दलितों का अपमान है इस तरह की भाषा। माझी जी क्या थे जिनके सीट पे वो नहीं गए चिराग पासवान जी, तो माझी जी क्या है? माझी जी भी दलित हैं, उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी और वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है आपको एक व्यक्ति वहाँ से गायब दिखाई दिए। तो जो भी होता है गठबंधन धर्म आपको ये कहता है कि पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होती है गठबंधन धर्म में। मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि हम या फिर इस पार हैं या उस पार हैं, इधर जाएंगे और उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे और इधर नहीं जाएंगे, ये गठबंधन धर्म नहीं होता है। और उनको समझना चाहिए अगर वो गठबंधन में है तो स्पष्ट रूप से दिखाएं कि वो गठबंधन में है और बताएं, उनका स्वागत होगा। लेकिन अगर वो पिक एंड चूज की पॉलिसी चूज करते हैं, माझी जी क्या है, दलित नहीं है, उनके सीट पे काहे नहीं गए थे चिराग पासवान? ये सवाल मेरा नहीं है, ये प्रेस वालों का सवाल है, ये आपका सवाल है। हाँ, और ये सवाल पूरे बिहार का है, ये गठबंधन का सवाल है। चिराग पासवान का संगीन आरोप में सीएम नीतीश की कृपा से बाहर आया। अरे चिराग पासवान जी को याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी और मेरे पिताजी के कितने मधुर रिश्ते थे, उनको शायद याद नहीं होगा। हाँ, उनको याद रखना चाहिए। और मेरे पिताजी ने एक सवाल किया था, एक ऐसा सवाल किया था जो गठबंधन में रहते हुए उन्होंने उचित समझा ये सवाल करना है। क्या बोला था मेरे पिताजी ने? यही बोला था कि अगर आप गठबंधन में हैं तो स्पष्ट कीजिए, अगर आप पिक एंड चूज की पॉलिसी मत कीजिए, आज इधर जा रहे हैं कल उधर जा रहे हैं, माझी जी के यहाँ नहीं जाएंगे, आनंद मोहन जी के यहाँ नहीं जाएंगे, हम भी तो गठबंधन में थे ना, हम तो ये सरकार बचाए हुए हैं। मेरी माँ जब लड़ रही थी तो चिराग पासवान अपना गठबंधन धर्म का पालन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आए उधर? माझी जी भी अगर इतनी बड़ी बात हो गई तो माझी जी के चुनाव में क्यों नहीं गए वो? उनको तो जाना चाहिए गठबंधन धर्म क्या कहता है। और ये सवाल जो है, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये सवाल सबके मन में पनप रहा है। उन्होंने दल में नहीं है उनके। हाँ, तो ये तो इसका जवाब तो अभी हम दे ही ना दिए। नहीं चेतन, सवाल ये है, आपके भी उठा रहे, कह रहे 25 में आप चुनाव लड़ना है, तो हम किसी के गिदर भपकी से नहीं डरते हैं। उनको भी चुनाव लड़ना होता है, जो जहाँ से वो चुनाव लड़ के आ रहे हैं, क्या हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई मुर्दा कौम के नेता हैं? आनंद मोहन जी एक जिंदा कौम के नेता हैं, है ना? गिदर भपकी से हम लोग डरते नहीं हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वॉल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700।